तो ये थी बीपीटी थ्योरम, आज का जो टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। किसी को थैलस थ्योरम बोलते हैं, और बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसी है कि आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी दिया रहेगा, तो उस ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड को, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड को और इंटरसेक्ट करे रिमेनिंग टू साइड को, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड और ट्रायंगल को, ट्रायंगल के किसी साइड को पैरेलल है और इंटरसेक्ट करे रिमेनिंग टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब वो लाइन वो जो रिमेनिंग टू साइड थी उनको प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी मतलब एपी बाय पीबी और एक्यू बाय क्यूसी दोनों बराबरी करेंगे। एपी बाय पीबी इक्वल टू एक्यू बाय क्यूसी, ये बराबरी करेगा, प्रूफ करना है, इनका रेशियो बराबरी करेगा। तो प्रूफ करने के लिए हमको गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या दिया है, आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी इसमें लाइन एल पैरेलल है बीसी को, हाँ लाइन एल पैरेलल है बीसी को, एंड इंटरसेक्ट कर रही है कौन से साइड को, एबी और एसी को, कौन से पॉइंट पे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पे रेस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूफ करना है एपी बाय पीबी, एक्यू बाय क्यूसी, तो प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। तो आपको कंस्ट्रक्शन में याद रखना कि ज्वाइन करना पीसी को, ज्वाइन करना बीक्यू को, ज्वाइन करना पीसी को, ज्वाइन करना बीक्यू को। और ये जो थ्योरम प्रूफ होती है वो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल के बेसिस पे प्रूफ होती है। रेशियो ऑफ एरिया वर्ड आ गया, एरिया हाइट की जरूरत पड़ेगी, आपको हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू से परपेंडिकुलर एबी को ड्रॉ करना है, मतलब एमएन क्यूएम परपेंडिकुलर टू एबी, और पीएन परपेंडिकुलर टू एसी, मतलब पी पॉइंट से एसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्यू पॉइंट से एबी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये हो गया कंस्ट्रक्शन की बात। अब प्रूफ की बात करो, तो प्रूफ में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, तीन पेयर पकड़ना ट्रायंगल की, पहला कौन सा एपी क्यू और बीपी क्यू, बस इतना याद रखना कि एपी क्यू, ये एपी क्यू याद रखना, एपी क्यू और एपी क्यू के साथ में एक बार बीपी क्यू और उसी एपी क्यू के साथ में एक बार सीपी क्यू, बाद में लास्ट में बीपी क्यू और ये सीपी क्यू लेना है। फिर से रिपीट करे तो एपी क्यू के साथ में बीपी क्यू, उसी एपी क्यू के साथ में सीपी क्यू और बाद में बीपी क्यू और सीपी क्यू, ऐसे तीन कंसेप्ट लेना है, एपी क्यू बीपी क्यू एक बार, एपी क्यू सीपी क्यू एक बार, अब बाद में जो बीपी क्यू और सीपी क्यू है उनको एक बार पकड़ लो। अब इनमें क्या क्या कंसेप्ट है भैया, तो आप देखोगे एपी क्यू और बीपी क्यू में क्यू कॉमन पॉइंट है, और जब भी याद रखना कॉमन पॉइंट जो होता है, कॉमन पॉइंट जब भी होते हैं कॉमन पॉइंट, जैसे कि ये ए क्यू पी, इधर बी ले लो, कोई भी ले लो, इस कॉमन पॉइंट से अगर यहां एक बेस है मान लो, इस कॉमन पॉइंट से कितने भी ट्रायंगल बनाओ, ये जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया इसकी भी हाइट एच रहेगी और ए पी क्यू की भी हाइट एच रहेगी 100%। यहां से अगर मैं कोई और दूसरा भी ट्रायंगल बनाऊंगा, इधर भी बनाऊंगा ना, इसकी भी हाइट एच रहेगी। तो सेम यहां वही फंडा लगा है कि ए पी क्यू और बी पी क्यू में क्यू कॉमन पॉइंट है और यहां से हमने ये हाइट बनाया है, तो ये जो हाइट रहेगी ना ए पी क्यू की भी रहेगी और बी पी क्यू की भी रहेगी, इसीलिए ट्रायंगल एपी क्यू और ट्रायंगल बीपी क्यू में कॉमन हाइट कौन है, थ्री एम है। अब हाइट कॉमन है तो बेस का रेशियो आएगा, तो एरिया ऑफ रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू इनके रेशियो में हाइट नहीं रहेगी और बेस रहेगी, तो एपी क्यू की बेस एपी और बीपी क्यू की बेस बीपी, एपी बाय बीपी आ गया, ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यही हमको प्रूफ करना था एपी बाय पीपी। तो एपी बाय पीपी बोलो या एपी बाय बीपी बोलो, एक ही बात है, एपी बाय बीपी आ गया। ओके, अब बात करेंगे कौन सा ट्रायंगल की, उसी एपी क्यू की बात करेंगे और दूसरा वाला पकड़ेंगे सीपी क्यू। तो इस एपी क्यू में और सीपी क्यू में पी कॉमन पॉइंट है, देखो 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 देखो, पी कॉमन पॉइंट है एपी क्यू और सीपी क्यू, एपी क्यू और सीपी क्यू। तो एपी क्यू और सीपी क्यू में पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो वो परपेंडिकुलर ए क्यू को भी होगी और सी क्यू को भी होगी, मतलब दोनों ट्रायंगल में कौन कॉमन है, हाइट है, पी एन है, इसलिए एरिया ऑफ रेशियो जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो एपी क्यू और सीपी क्यू का, वो ए क्यू बाय सी क्यू होगा, ए क्यू बाय सी क्यू होगा, क्योंकि इसमें पी इसमें क्या ए क्यू बेस है और इसमें सी क्यू बेस है। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, हमारे को प्रूफ क्या करना है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल कब हो गए, जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल कब हो गए, एपी क्यू यहाँ पे, एपी क्यू यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बीपी क्यू और सीपी क्यू, बीपी क्यू और सीपी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो बीपीक्यू और सीपीक्यू को इक्वल आना है। तो अब बीपीक्यू के बारे में सोचो, बीपीक्यू और सीपीक्यू दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, और जितने भी ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो उनकी हाइट और बेस कॉमन होगी। अगर हम एक इन पॉइंट लेकर बनाते हैं बोले तो ये देखो मैंने बना दिया ऐसा एक ट्राइंगल, और इसको देखते हुए दूसरा एक ट्राइंगल बना दिया। तो ये ना दोनों ट्राइंगल में ये दो को दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, इनकी हाइट और बेस इक्वल है। मतलब लाइन एल पैरेलल बीसी को हमको गिवन में दिया है, और ये दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बीपीक्यू और सीपीक्यू बने हुए हैं। तो आर लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में लाइज है, इसलिए सो देयर बेस एंड हाइट कॉमन होगी। सो देयर बेस एंड हाइट क्या होगी, आर कॉमन, ये कॉमन होंगे। ओके, अब इसीलिए बेस और हाइट कॉमन है, इसका मतलब उनका एरिया कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या सीपीक्यू इक्वल होगा। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये दोनों इक्वल हो गए, ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली आर एच एस साइड भी इक्वल हो जाएगी, मतलब ए पी बाय बी पी इक्वल टू ए क्यू बाय क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे ये क्या होगी, प्रूफ हो गई। हाँ, अभी हो गया, अभी मैंने बात कही बीपीटी की, तो बीपीटी का यूज कब करना, तो जब लाइन पैरेलल दी रहेगी किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में लाइन पहले से ही पैरेलल दी रहेगी, दैट टाइम यू शुड यूज बीपीटी। लेकिन अगर आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, पहले मतलब लाइन पैरेलल दी नहीं रहेगी, आपको किसी ट्राइंगल में लाइन पैरेलल ये प्रूफ करना होगा, दैट टाइम वी यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो व्हाट से द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, आपको पता है बीपीटी क्या बोलती है, कि लाइन अगर पैरेलल है, ए बी सी ट्राइंगल है, पी और क्यू, ये पी क्यू पैरेलल है बीसी को, तो आपको पता है ए पी बाय पी बी इसके बराबर होता है, ए क्यू बाय क्यू सी इसके बराबर होता है। कब होता है लिख रही है ऐसा, जब लाइन क्या होती है पैरेलल, इसको बीसी को, मतलब पी क्यू बोलो या लाइन एल बोलो। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब होगा, अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा दिया रहेगा तो लाइन क्या होगी पैरेलल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि इन ट्राइंगल एबीसी, अगर किसी ट्राइंगल एबीसी में, किसी ट्राइंगल एबीसी में, ये अपने पास ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पी और क्यू पॉइंट है, ओके 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 ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी इफ अगर ए पी बाय पी बी किसके बराबर है, ए क्यू बाय क्यू सी के बराबर है, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तब बाय कैसे, कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ क्या, मैं शॉर्ट में बता रहा भैया, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में कट में बता रहा हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, इसका प्रूफ कुछ था भी नहीं। बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगाना, कि किसी ट्राइंगल एबीसी में अगर ए पी बाय पी बी, ए क्यू बाय क्यू सी, ये जो प्रोपोर्शन रहेगा अगर इक्वल रहेगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यहां से जो लाइन जाएगी, ठीक है, पी क्यू, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पी क्यू किसको पैरेलल हो जाएगी, साइड बीसी को पैरेलल हो जाएगी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। बस आपको एक्सरसाइज में बराबर यूज करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से यूज करते रहना चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगाना, और बीपीटी कब लगाना, जब लाइन पैरेलल दी रहेगी किसी ट्रायंगल के किसी साइड को, कोई लाइन पैरेलल दी रहेगी तब बीपीटी यूज करना। अगर पैरेलल प्रूफ करना है लाइन तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी की, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर या उसी को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, इसे को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये जो प्रूफ होती है ना, बीपीटी से प्रूफ होती है, ठीक है। तो मैं बस इसके स्टेटमेंट बता रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन आपको याद करना है, और उसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बोलती है, ध्यान दो, सुनो, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ओके।
तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल आइसोसेल्स क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम है एबीसी, हाँ वो तो मालूम है सबको सर, इसका नाम एबीसी होता है करके, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, हाँ बन गया, ये एबीसी ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। मान लो कि यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से मैंने ड्रॉ किया, हो सकता है कि मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वल एंगल हो गए, और ये क्या होगी, इसका नाम दे दिया मैंने ए। अगर ए एंगल बाइसेक्टर इस एंगल ए की, तो तब क्या होगा, तो अगर इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी की क्या बोला मैंने, ए एंगल बाइसेक्टर होना बहुत जरूरी है, ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ, ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन था, बीएसी, बीएसी एंगल बाइसेक्टर है क्या नहीं है, देन तब जब तब कौन सी धर्म से, देन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर से प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ओके, या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, बताया क्या, क्या होगा 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 बताया क्या, कि इसके जो सामने वाले, ये जो जिसको बाइसेक्ट करिए, मतलब इस एंगल के, बताओ ये ए बाइसेक्टर है कि नहीं, बोलो कौन से एंगल की, ये वाले एंगल की है कि नहीं है, तो तब ये जो जिस, ये अपने सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, मतलब ये जो बाइसेक्टर जो है, ये बाइसेक्टर जो है जिस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये बाइसेक्टर जो है जिस एंगल को बाइसेक्ट करती है, उसके सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, किस रेशियो में, बी रेशियो, बी रेशियो क्या, इसी, तो ये जो रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है, तो रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो बताओ बी के करस्पॉन्ड में कौन है, ए बी, ए बी है, और इसी के करस्पॉन्ड में कौन है, ए सी है, तो रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर होती है, ये बोलती है कौन सी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ भी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, इसका प्रूफ भी देखेंगे, और इसका भी प्रूफ मैंने यूट्यूब पे पहले डाल चुका हूं, इसका भी प्रूफ है वहां पे, कि मैंने बताया कि अगर किसी ट्राइंगल एबीसी में अगर कोई बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर अपने सामने वाले साइड को, उस एंगल के सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, किसके रेशो के इक्वल, तो रिमेनिंग साइड के रेशो के इक्वल, रिमेनिंग साइड के रेशो के इक्वल क्या करती है, डिवाइड करती है, इसको इंग्लिश में लिखना, तो कैसे लिखोगे, कि द बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल डिवाइड, डिवाइड द साइड, डिवाइड करती साइड को, साइड, साइड अपोजिट टू एंगल, इसके अपोजिट है, अपोजिट टू क्या, एंगल, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू एंगल इन, इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, इन रेशियो ऑफ क्या, इन रेशियो ऑफ क्या, रिमेनिंग साइड, ओके, इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड रेशियो इक्वल होती है, मतलब ये जो बाइसेक्टर है अपने सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, मतलब बी बाई सी, तो किसके कितने रेशियो में, तो रिमेनिंग साइड रेशियो में, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और बाद में थर्ड है, थर्ड क्या चीज है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, देयर ट्रांसवर्सल, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि अगर तीन लाइन पैरेलल है, देखो तीन लाइन पैरेलल है, देखो 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 तीन लाइन पैरेलल दिख रही है आप लोगों को, तीन लाइन क्या पैरेलल है और उनकी ट्रांसवर्सल बोला, हाँ तो ये ट्रांसवर्सल है, ओके, ये मान लो, ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ये है ए बी लाइन, ये सी डी लाइन, यहां से लिखो ए बी सी लिख लो, ए पी क्यू आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए पी बी क्यू सी आर तीन लाइन पैरेलल, और आपके पास ये एक्स और वाई तो ट्रांसवर्सल है, तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, कि मैंने बोला अगर, इसके लिए कंडीशन क्या है अपने पास, कंडीशन क्या है कि तीन लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो अगर इफ ए पी पैरेलल है किसको, बी क्यू को, और बी क्यू पैरेलल है किसको, सी आर को, एंड एक्स एंड वाई आर देयर ट्रांसवर्सल, एक्स एंड वाई आर देयर, अगर उनकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है,
तो देन क्या होगा, तब क्या होगा बताएंगे, ए बी, ए बी बाय बी सी इसके बराबर होगा पी क्यू बाय क्यू आर, मतलब जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इस पोर्शन को इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो जो इंटरसेप्ट का जो रेशो रहेगा, इंटरसेप्ट का रेशो इक्वल होगा, मतलब ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट का रेशो बनेगा वो किसके प्रोपोर्शन रहेगा, दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट का रेशो रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो ये जो थ्योरम प्रूफ होती है, ये वाली प्रॉपर्टी जो प्रूफ होती है, ये वाली प्रॉपर्टी जो प्रूफ होती है, तो ये कैसे प्रूफ होती है, बीपीटी का यूज करके, कंडेंसर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ये थ्योरम प्रूफ होती है, क्योंकि एप्लीकेशन किसके, बीपीटी के। ओके चलो लिख लो इसको। हाँ अरे प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल, गिवन बिलो में मतलब गिवन दिया है कुछ ट्रायंगल दी हुई है एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, तो हमको आइडेंटिफाई करता है कि कौन से फिगर में ये रे पीएम इस क्यूपीआर के बायसेक्टर है, मतलब हमको रे पीएम को इस क्यूपीआर के बायसेक्टर प्रूफ करना है। अगर आपके पास पहले से ही बायसेक्टर दी रहेगी तो आप एंगल बायसेक्टर थ्योरम लगाओगे, लेकिन इस बार बायसेक्टर प्रूफ करना है तो कन्वर्ट ऑफ एंगल बायसेक्टर। आपको पता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें ई अगर एंगल बायसेक्टर पहले से गिवन में है, तो एंगल बायसेक्टर क्या करती है, जिस एंगल को बायसेक्ट करती है उसके सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, किसको रेशो, किसके रेशो में, तो रिमेनिंग साइड के रेशो में, ये आपको पता है। तो ये कब होता है, जब एंगल बायसेक्टर दी रहेगी। अब कन्वर्जेंस ऑफ एंगल बायसेक्टर का मतलब, अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा है तो ये क्या चीज रहेगी, एंगल बायसेक्टर। ओके ओके, वो रे एंगल बायसेक्टर रहेगी, तो रे एंगल बायसेक्टर ये प्रूफ करना होगा, तो हम कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करूंगा, सॉल्यूशन डायग्राम दी हुई है, गिवन दिया हुआ, सब गिवन में दिया हुआ है, तो हम पहले क्या निकालेंगे बताओ, क्यूएम बाय एमआर निकालेंगे, क्यूएम बाय आरएन बोलो, क्यूएम बाय एमआर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या निकालूंगा बताओ, क्यूएम बाय एमआर, तो पहले गिवन लिख दूंगा, इन ट्रायंगल जो जो दिया है वो लिख लेता हूं, पहले इन ट्रायंगल कौन से में, पीक्यूआर में, इस ट्रायंगल पीक्यूआर, आपके पास कौन दिया बताओ, क्यूएम दिया, इन ट्रायंगल पी को डायरेक्ट छोड़कर मारो ना, क्यूएम बाय आरएन, ये निकालोगे पहले, क्यूएम बाय आर एम, क्यूएम बाय एम आर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यूएम दिया 3.5, ओके, और एम आर दिया है कितना 1.5, आपको पता है ये पॉइंट एक के बाद बैठेगा, ये भी पॉइंट एक के बाद बैठेगा, तो कितना निकलेगा होगा 35/15 होगा, तो 15 और 35 किसके बारे में आते, 5 के बारे में आते, 5 3 15 15 35 7/3। अब बताओ क्या निकालोगे, बताओ क्यूएम के करस्पॉन्ड कौन है, पीक्यू, ये करस्पॉन्ड बराबर है ना पीक्यू, और एमआर के करस्पॉन्ड कौन है, पीआर, इनका रेशो निकालोगे, तो पीक्यू बाय पीक्यू कितना बताओ 7, और वो कितना बताओ 3, क्योंकि ये भी 7/3, ये भी 7/3, इस इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों बराबर ही हुए, मतलब क्यूएम बाय एम आर किसके बराबर है, पीक्यू बाय पी आर के बराबर है, आया कि नहीं आया, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, एंगल बायसेक्टर थ्योरम, उस हिसाब से बताओ ये पीएम बायसेक्टर हो, तो एक रे है रे, तो रे पीएम, रे पीएम जब बायसेक्टर, जब बायसेक्टर ऑफ एंगल व्हाट, क्यूपीआर, एंगल कौन सा, क्यूपीआर, हो गया, ये तो आइडेंटिफाई करना है, दैट्स वेरी सिंपल और सिंपल, कोई तकलीफ रिपीट करूं, ऐसा नो रिपीट नहीं कर सकता, इससे तो आराम से क्यूएम बाय एमआर निकालना, ओए 3.5/1.5, और रूल याद रखना भैया, पॉइंट नहीं होना, इसका पॉइंट एक के बाद में आटेगा, इसका भी पॉइंट एक के बाद में आटेगा, ये 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये बात रूल याद रखना, 35 और 15 किसके टेबल में आते हैं,
आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, अभी थर्ड बता रहा हूं, सेकंड भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है कि एन ट्राइंगल PQR, इस PQR ट्राइंगल में आपके पास QM दिया है, MR दिया है, PQ दिया है, PR दिया है, तो हमको प्रूव करना है कि बायसेक्टर है कि नहीं, चेक करना, आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं बताना चाहिए मेरे को, एक्चुअली दूसरा बताना चाहिए था, क्योंकि इस बात भी बायसेक्टर है 100% है। तो बोला मैंने पहले QM बार MR निकालो, हाँ QM बार MR निकाला ट्राइंगल PQR, तो QM मेरे 3.6/4। तब मैंने रूल बताया कि भैया इसका पॉइंट एक के बाद में हटेगा, नीचे में एक जगह आ जाएगा 100 मतलब। अब 36 और 40 को किससे भाग जाता है, 4 से, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 9/8। तो यार एक बात याद रखना, अगर ऊपर में ऐसा होता 66 होता, नीचे में 4 होता, तो पॉइंट 2 के पास रखते ना बेटा 2-0 आते। लेकिन अगर मैंने बोला 4.2 होता, तो इसका पॉइंट एक के बाद मिटेगा, तो ऊपर का भी पॉइंट एक के बाद आते हैं 42, तो इसका और एक बार पॉइंट हटाएंगे, नीचे में एक पॉइंट, कोई दिक्कत, पॉइंट एक के बाद हटा, नीचे में जीरो है। अब निकालेंगे कौन, देखो बराबर QM के करस्पॉन्ड कौन है, PQ, QM के करस्पॉन्ड करस्पॉन्ड बराबर लेना PQ, और MR के करस्पॉन्ड कौन है, देखो PQ कितना है 9 और ये भी कितना 10, ये सेकंड ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट टेन सेकंड QM बाय MR PQ बाय PR इक्वल आ गया। तो कन्वर्ट तो एंगल बायसेक्टर थ्योरम के हिसाब से कि PM बायसेक्टर देगी QPR, अरे बात समझ में आ रही क्या। सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड वाला बोलता है कि आपके पास ऐसा उल्टा ट्रायंगल है, ऐसा दिया, ऐसा इस तरह से दिया, इस तरह से, इसका नाम है QPR, हां QPR, वो कहीं भी थी हमको उससे कोई मतलब नहीं, ये दिया 7 और 10, ये दिया 7 और 10, और ये जो दिया ना बेटा ये पोर्शन है 6 और 8, और ये है M पॉइंट। तो वही फंडा लगाओगे कि इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, PM, PM बोलो या अपने क्या देते हैं, हमेशा QM लेते थे, तो QM बाय क्या MR, QM क्यों ले रहे हो, PQ अच्छा होता है दिखाने के लिए, तो QM बाय MR, तो QM कितना बताओ 8, और ये कितना 6 है, 8 के आधे कितने होते हैं, अच्छा 6 के आधे कितने होते हैं, अब प्राइम नंबर आ गया ना, पीछे प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर नहीं करते कभी भी, देखो ये प्राइम नंबर 9 प्राइम नंबर नहीं, 10 प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 9 और 3 किसी के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, 4 और 3 किसी के टेबल में आते, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरा क्या बोल रहे हैं PQ, QM के रेस्पॉन्ड कौन है PQ, और RM के रेस्पॉन्ड कौन है PR, ये कितना आया PQ कितना 10/7 4/3 बराबर ही क्या, बिल्कुल नहीं, तो देयरफॉर कौन था, फ्रॉम फर्स्ट चैन सेकंड, क्या लिखोगे PQ और PR इक्वल नहीं है, PQ QM और क्या रे MR नॉट इक्वल टू PQ बाय क्या PR, इसीलिए कौन PM इज नॉट, यहाँ पे कन्वर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, PM क्योंकि इक्वल आया नहीं है, इक्वल आएगा कुछ नहीं है, तो फ्रॉम फर्स्ट चैन सेकंड दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए PM इज नॉट बायसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा QPR, QPR की बात सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 का, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि आपके पास ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, और इस PQR में आपके पास PM दी हुई है 15, और PQ दिया है 25, और PR दिया है 20, और NR दिया है 11, और हमको शो करना है, हमको बताना है कि NM पैरेलल है क्या नहीं साइड QR के, ये जो NM जो है पैरेलल है कि नहीं साइड QR को, तो हमको इस बार पैरेलल है क्या नहीं चेक करना है, पैरेलल पहले से दिया है क्या, नहीं।
नहीं, अगर पैरेलल पहले से दिया है तो क्या लगाते हैं डीपीटी। अब पैरेलल हमको चेक करना है कि नहीं, तो हम क्या लगाएंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए पीएन और एनआर का रेशियो और पीएम और एमक्यू का रेशियो इक्वल आना चाहिए। अगर पीएन और एनआर का रेशियो पीएम और एमक्यू के रेशियो के बराबर हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से ये एमएन या एनएम बोलो या एमएन बोलो पैरेलल हो जाएगी क्यूआर को, होगी क्या नहीं होगी। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको पीएन नहीं पता, हमको पीआर पता है। हमको प्रॉब्लम क्या है, पीएन नहीं पता, हमको पीआर पता है। पीएन फाइंड करने के लिए इस पीआर में से एनआर को माइनस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको किसको फाइंड करना है, पीएन को फाइंड करना है, तो पीएन निकालना पड़ेगा। क्योंकि नाउ अब हमको पहले हमको पता है पीएन और किसका रेशियो निकालना है, एनआर का रेशियो निकालना है, लेकिन हमको पीएन नहीं पता। तो पीएन यानी क्या होगा, पीआर में से, पीआर में से, पीआर में से कौन माइनस, एनआर माइनस अपॉन में एनआर, कोई दिक्कत। तो पीआर की वैल्यू कितनी है 20, ये कैसे जगह समझा क्या मैंने, अब पीएन की जगह पे मैं पहले पीएन बाय एनआर निकाल रहा हूं अलग से। तो पीएन, पीएन हमको पता है क्या, नहीं, क्या पता है हमको पीआर। इस पूरे में से पीएन निकालना है मेरे को, इस पीआर में से एनआर को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना 20 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 8 को, और अपॉन में कितना करूंगा मतलब 8, 20 में से 8 के तो कितना बचता है 12, 12 भाई 12 और 8 किस टेबल में आते हैं 4, 4 के तो 4 3 4 2 इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, अपन ने क्या निकाली अभी, कोई दिक्कत। अब नाउ अभी किसको निकालोगे, पीएम और किसको, एमक्यू को निकालोगे। देखिए पीएम, पीएम पता है क्या आप लोगों को, पीएम पता है क्या, हो कितना पता है 15, पीएम के लिए जल्दी से सका लिखो, पीएम पता है हमें, लेकिन हमको एमक्यू नहीं पता। एमक्यू यानी क्या होगा, पूरे पीक्यू में से पीएम माइनस, एमक्यू क्या होगा, एमक्यू क्या होगा, पूरे पीक्यू में से, पूरे पीक्यू में से मुझे एमक्यू चाहिए तो पूरे पीक्यू में से पीएम माइनस करना पड़ेगा, पूरे पीक्यू में से किसको माइनस करना पड़ेगा, पीएम माइनस। समझ में आया क्या, पीएम कितना दिया था 15 और ये 25 माइनस 15, 15 जैसा का 25 में से 15 के 10 और 3 के टेबल, ये 2 के 5 के टेबल में आते 5 3 15, इक्वेशन नंबर कौन सा है, तो बताओ पीएम और एमक्यू दोनों इक्वल है क्या, देखो ये वाला, देखो ये वाला, देखो देखो देखो, ये भी 3/2 वो भी 3/2, मतलब पीएम और एनआर का रेशियो फ्रॉम कहां से लिखोगे, फ्रॉम कहां से लिखोगे, फ्रॉम यहां लिखू क्या, यहां लिखू क्या, तो फ्रॉम फर्स्ट चैन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट चैन सेकंड, बताओ पीएम और एनआर का रेशियो, पीएम और एनआर का रेशियो, देखो ये भी 3/2 वो भी 3/2, पीएम और, पीएन और एनआर का रेशियो, पीएन और एनआर का रेशियो किसके बराबर हो गया, पीएम और एमक्यू के रेशियो के बराबर हो गया। तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रीजन बोलो, बताओ रीजन बताओ, बोलता है किसकी वजह से, तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से लाइन जो होगी एनएम, लाइन जो होगी कौन, एनएम, तो लाइन एनएम क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल का सिंपल ही है, पैरेलल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इज पैरेलल किसको, पैरेलल टू साइड कौन थी, पैरेलल टू साइड आर क्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा, क्या एक बार रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, यस आर नो, रिपीट कर दूं कि आपके पास स्टैंडर्ड पीक्यूआर दिया, तुम बोलोगे फिर भी रिपीट करूंगा, ठीक है, पीक्यूआर जो गिवन में दिया था लिख दिया, पीएम दिया था और दिया था, एमक्यू नहीं दिया था, पीक्यू दिया था, इसमें इसमें एनआर दिया था और पीआर दिया था, पीएम नहीं दिया था, लेकिन आपको चेक करना कि ये एनएम पैरेलल है कि नहीं, आरक्यू को चेक करना है, ये पैरेलल, पैरेलल पहले से दिया नहीं है, पैरेलल है कि नहीं चेक करना है, पैरेलल है कि नहीं चेक करना, इसके लिए हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना पड़ेगा। जब भी पैरेलल प्रूफ करो बोलेगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना पड़ेगा, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कंसेप्ट क्या है कि ये और इसका रेशियो इक्वल आना चाहिए, इसका रेशियो मतलब पीएन और एनआर का रेशियो और पीएम और एमक्यू का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले पीएन और एनआर निकालेंगे, पीएन और एनआर निकाला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीएन नहीं पता, माले पीआर माहित है, तो पीआर मधून माले एनआर माइनस करावा लागल, ते वहां माले पीएन निकल, माता पीएन निकल, ठीक है, इस टाइम का पीएन निकलेगा, अरे पीएन कब निकलेगा, पीआर में से मैं जब क्या करूंगा एनआर माइनस, ये बात तो क्लियर होगी ना, ये बात तो क्लियर होगी, एनआर हमको पता है, एनआर भी हमको पता है, पीआर कितना 20, 20 में से 8 गया 12, 12 और 8
ट्वेल्व और एट फोर के टेबल में आते हैं, फोर टू जो ट्वेल्व फोर टू जो एट हो गया। फिर क्या निकालना, पीएम और एम क्यू निकालना है, तो पीएम पीएम आपल्याला माहित है बट एम क्यू आपल्याला माहित नहीं, तो एम क्यू काढण्यासाठी आपण काय करणार, पीआर मधून पीएम माइनस करणार। देखो ये प्रश्न निकालने के लिए, ये प्रश्न निकालने के लिए इस पूरे में से इसको गायब करना पड़ेगा, मतलब एम क्यू को निकालना है, एम क्यू को निकालना है तो पी क्यू में से इस पीएम को माइनस करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा ना। ये मेरा पी क्यू है, ये मेरा एम क्यू है, एम क्यू को फाइंड करना है, इस पूरे पी क्यू में से, इस पूरे पी क्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एम क्यू निकलेगा। अरे निकलेगा ना भाई लोग, ओके। तो पी क्यू में से, इस पूरे पी क्यू में से पीएम को माइनस करना पड़ेगा। पी क्यू दिया था तुम्हारे पास 25 में से 15 के, तो 10 15 और 10 तीन के टेबल में आते, नहीं पांच के टेबल में आते, 5 15 5 10, तो ये भी 3/2 ये भी 3/2 दोनों में से हो गए इक्वल हो गए, तो कन्वर्स ऑफ पीक्यूटी से वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। चलो देखो फास्ट, हाँ तो ये जो क्वेश्चन है अभी थर्ड जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, ये सॉल्व एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, और सॉल्व एग्जाम्पल का पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका अपन ने जो एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखे, वहां हम कन्वर्स ऑफ पीपीटी का यूज किए, कन्वर्स ऑफ पीपीटी का यूज क्यों किए, क्योंकि वहां पैरेलल है कि नहीं ये हमको चेक करना था। लेकिन ये सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में ये डी पहले से पैरेलल है, डी पहले से पैरेलल है बीसी को, या बीपीटी लगेगी 101%, बीपीटी लगेगी। अब बीपीटी लगाएंगे ना, उस समय क्या होगा, बीपीटी क्यों लगाते पता है क्या, कि ये 1 2 3 4 चार में से कोई भी तीन वैल्यू दी रहेगी और उसमें से एक निकालना पड़ेगा। देखो आप लोगों, देखो डीबी दिया है 5.4, एडी दिया है 1.8 और ईसी दिया है कितना 7.2, इसी दिया है इसी इसी 7.2, देखो एक निकालना है, देखो निकालना निकालना है कि निकालना है, तो बताओ अब बताओ, ये हमको दिया है और आपको किसको निकालना है, बताओ ए को निकालना है, निकालना ए को निकालना, तो क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया, ए को निकालना इसलिए क्वेश्चन मार्क का मैंने साइन दे दिया ना। वो आपके पास क्या दिया है कि डी किसको पैरेलल है बताओ, बीसी को, हमको टाइम में दिया है और ये ऊपर भी गिवन में दिया था, तो डी पैरेलल है बीसी को, तो बाय कौन से लगेगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। बीपीटी से क्या होगा बताओ, एडी के अपॉन में कौन आ जाएगा, डीबी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, और इक्वल टू ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी। ये बोलती बीपीटी, बीपीटी लगाने के लिए ट्राइंगल में पैरेलल होना बहुत जरूरी है। बताओ एडी की वैल्यू कितनी थी बताओ, 1.8, एडी की वैल्यू क्या दी है 1.8, और जरूरी नहीं है ये ऐसा लिखना, आप डायरेक्ट इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी लगाकर भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखिए अभी मैंने लिख दिया कि गिवन में लिख दिया, गिवन नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी लिखना, और ये डायरेक्ट बाय बीपीटी लगा के भी लिख सकते हो। बताओ एडी कितना दिया 1.8, डीबी कितना दिया बताओ, ए कितना दिया निकालना है, और इसी कितना दिया 7.2, ओके इतना समझ में आ गया, अब इतना समझ में आया क्या, अब बताओ डिवाइड वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8, तो इसका पॉइंट एक के बाद हटा दू क्या, इसका पॉइंट एक के बाद हटेगा, तो इसका भी पॉइंट एक के बाद हटेगा, ये 18 लिखूंगा इसको, इसको 54 लिखूंगा, क्यों लिखा आप लोगों को पता है, और इंटू में बताओ इंटू में 7.2 होगा और इक्वल टू यही होगा, डिवाइड वाले चीज इंटू में आ गया और इसके पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट एक के बाद हटेगा तो इसका भी पॉइंट एक के बाद हटेगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, अब बताओ 18 टेबल आता है, 18 1 18 18 36 38 54 होता है क्या, होता है क्या, 18 3 54 और 3 इंटू कितना 7.2, कोई दिक्कत, आपको यही निकालना था कि नहीं निकालना था, तो 3 7 21 बच गए, 3 7 और 3 7 21 पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, ये आपका अपना आंसर है, हो गया ए 21.6 सेंटीमीटर रहेगा, यही कितना रहेगा 21.6 सेंटीमीटर, लेकिन तुम्हारे किताब में 2.4 दिया है, तो कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये 1.8 18 3 54 होता है क्या, हाँ तो ये 7.2 बराबर सुनो डिवाइड वाली चीज इनटू में, अरे हाँ तो बराबर, गलती कहाँ होती है क्या, 18 3 54 तो अपॉन में 3 आएगा, 7.2 ये अपॉन में 3 नहीं आएगा, अरे 18 दे जा 54 3 अपॉन नहीं आएगा क्या, अब 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 2 जा 6
तो सात में से छह गए, कितना बचा है वन, वन को भाग जाता है क्या डेसिमल पॉइंट, तो बारह हो जाएगा और तीन छो बारह, जब एक एल टू पॉइंट फोर आ गई, एक एल कितनी आ गई टू पॉइंट फोर, इसको अच्छे से लिखना ए को पहले लिखना ए इक्वल टू टू पॉइंट फोर। एक बार रिपीट कर दे तो ध्यान दो रही रो, ये आपको कई लोगों को डिविजन वही के वही करते आना चाहिए, वही के वही करते आना चाहिए, यही निकालना इस तरफ लिखा और वही के वही, थ्री का टेबल खोलना सेवन तक, थ्री वन जा वन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन बड़ा होता है तो थ्री नहीं पकड़ेंगे, थ्री टू जा पकड़ेंगे, तो थ्री टू जा सिक्स पकड़ा, तो सिक्स को सात में से माइनस करना, तो सात में छे गए एक, अब डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट, फिर हो जाएगा एक पे तो बारह हो जाएगा और तीन तीन चौक तीन चौक बारह हो जाएगा, या तुम ऐसे भी कर सकते हो तुम्हारी इच्छा, ऐसे भी करो कोई फर्क, तीन आएगा तीन तीन दूनी सात, सात में छेगा एक पॉइंट दो पॉइंट दो तीन चौक बारह, कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो गए टू पॉइंट फोर लिखेंगे लिखो पास। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया आपके प्रैक्टिस सेट का, ये क्वेश्चन नंबर फोर, और इस क्वेश्चन नंबर फोर में आपको दिया है कि ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा एम एन पी में, ट्रायंगल एम एन पी में आपके पास ये एन क्यू बाय सेक्टर है, तो बाय सेक्टर वर्ड आ गया, ट्रायंगल में बाय सेक्टर आ गई, और ट्रायंगल में जब भी बाय सेक्टर आती है तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर रखती है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर रखती है, और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर क्या बोलती है कि ये जिस एंगल को बायसेक्ट करती है उसके सामने वाले साइड को डिवाइड करती है दो पार्ट में, और उस पार्ट का रेशियो रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ये बोलती है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर, और इसमें होगा इन तीन दिए रहेंगे और इनको निकालना होगा, ऐसा कुछ रहेगा जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर लगाएंगे, तो आपको इन ट्रायंगल एमएनपी के बायसेक्टर लिखने के पहले गिवन लिख सकते हो आप जो वैल्यू डी होगी, ये आपके पास एमएन दिया है और एमएन दिया है जब जैसा लिखा था मैंने लिख सकते हो, हाँ एम एन दिया है फाइव, पी एन दिया है सेवन, एम क्यू दिया है कितना टू पॉइंट फाइव, अब किससे पॉइंट करना है क्यूपी को फाइंड करना है, ठीक है, अब इनको फाइंड करने के लिए क्यूपी को फाइंड करने के लिए आपके पास एम एन पी में क्या दिया है एन क्यू विच बाय सेक्टर, कौन से एंगल की एंगल एन क्यू, ये आपको गिवन में दिया है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर लगा सकते हो, ऐसा लिखो या डायरेक्ट इन ट्रायंगल एलिमेंट में एन क्यू बाय सेक्टर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके किताबों में शॉर्टकट में ऐसा दिया रहता है कि ऐसा लिख सकते हो इन ट्रायंगल एमएनपी में डायरेक्ट क्या एन क्यू क्या है बताओ बाय सेक्टर है, कौन से एंगल की ऑफ एंगल एन की, ये हमको गिवन में दिया तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर की मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर क्या होगी एन क्यू के सामने वाले से एम क्यू और क्यूपी, अब पी क्यू और क्यूएम भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एम क्यू अगर क्यूपी लिखता हूं एम क्यू और क्यूपी लिखता हूं एम क्यू और क्यूपी लिखता हूं एम क्यू और पी क्यू बोलो या क्यूपी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम क्यू और क्यूपी लिखूंगा तो एम क्यू के रिस्पॉन्ड कौन है एम एन, एम एन आएगा एम एन पी एन नहीं आएगा, एम क्यू के समय पी एन आएगा, अगर मैं उसको पी क्यू ऐसा लिखता पी क्यू और क्यू एम लिखता तो पी क्यू के रिस्पॉन्ड कौन होती पी एन, पी एन पहले आता और एम एन बाद में आता, देखिए मैंने वैसा किया क्या एम क्यू लिया तो एम एन बाय क्या आएगा बताओ पी एन होगी प्रॉपर्टी रख दी, अब आप हमको निकालना किसको क्यूपी को निकालना है, एम क्यू की वैल्यू कितनी दी है टू पॉइंट फाइव, क्यूपी को हमको निकालना है, एम एन की वैल्यू कितनी दी है फाइव और पी एन की वैल्यू कितनी दी है सेवन, ओके कोई दिक्कत, अब मेरे को क्यूपी को निकालना है डिवाइड में उसकी इंटू में भगाएंगे उधर, तो ये इधर वाला डिवाइडर इधर इंटू में आएगा तो टू पॉइंट फाइव के सब में कौन आ जाएगा सेवन, अरे फाइव इधर आ जाएगा और इक्वल टू क्यूपी हो जाएगा, देखो क्यूपी को उधर भगा दिया इंटू वाला डिवाइड में आ गया डिवाइड वाला इंटू में आ गया, और सात पचास पैंतीस होता है सात पचास पैंतीस बच्चे कितने सात दूनी चौदह के सत्रह पॉइंट कितने के बाद एक, ऐसा भी कर सकते हो या फिर पांच को टू पॉइंट फाइव डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड का कोई पॉइंट है क्या डिवाइड में पॉइंट होना चाहिए इसको कर सकते हो, लेकिन पांच के टेबल में दो आता है क्या नहीं आता, क्या लगाओगे पच्चीस हो जाएगा, अब पाचा पाचा बज गए कितने सात इंटू में सात और क्यूपी जैसा का, अब क्यूपी को निकाला तो क्यूपी को इस तरफ लिख दिया तो सात पाचा पैंतीस पॉइंट कितने के बाद बस क्यूपी निकल गया, अरे भाई लोग समझ में आ गया कि भैया क्यूपी निकालना था, क्यूपी को उधर भगाया इधर डिवाइड कर चीज इंटू में कूदी और ये इधर आया, अब पांच को टू पॉइंट फाइव डिवाइड किया तो पांच को दो को भाग जाता चाहिए फिर टू एल जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा तब जाके पच्चीस होगा, पचास पचास पच्चीस जीरो पॉइंट फाइव और सत्रह पचास पैंतीस पॉइंट एक के बाद, तो सबको कंसेप्ट पता होता है बच्चे आजकल के बच्चे क्या होता है सबको कंसेप्ट पता होता है कैसे बनाना है, लेकिन
लेकिन बच्चों को कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, तो कैलकुलेशन धासु होना चाहिए, जिसका कैलकुलेशन धासु उसको मिलेगी अच्छी सासु। ठीक है, सही बात है ना। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अपने हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिस सेट का 2.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेजर ऑफ सम एंगल, सम एंगल का मेजर दिया हुआ है, ट्रायंगल है एबीसी उसमें कुछ एंगल का मेजर दिया हुआ है, पर हमको प्रूफ करना एपी बाय पीबी और एक्यू बाय क्यूसी। एपी बाय पीबी एक्यू बाय क्यूसी कब प्रूफ होता है? बीपीटी में होता है, बीपीटी में ऐसा होता है। लेकिन बीपीटी कब लगाते हैं? दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ दो लाइन पैरेलल थी क्या? नहीं, जीवन में नहीं दिया ना भाई दो लाइन पैरेलल लेकर के। जब एपी बाय पीबी एक्यू बाय क्यूसी कब होता है? बीपीटी में होता है। अब बीपीटी लगाने के लिए कौन सी क्या जरूरी है? ये वाली लाइन, इसको पैरेलल होना बहुत जरूरी है। लेकिन लाइन पैरेलल दिया है क्या? नहीं। तो गिवन में प्रूफ में क्या लिखोगे? आपके पास एंगल एपी दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास कौन दिया है? एपीक्यू। एपीक्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। और कौन सा है? एबीसी, 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 एबीसी कितना दिया बताओ? 60 डिग्री दिया। दोनों बराबर क्यों होंगे? ये आपको कहां में दिया है? गिवन में दिया है। इसका मतलब एंगल एपीक्यू और एंगल एबीसी दोनों बराबर क्यों हो जाएंगे? अरे एपीक्यू और एबीसी दोनों बराबर क्यों होंगे? मैंने आपको जबीज पढ़ाया था, जबीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, क्या बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन नहीं सॉरी, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल बराबर के होते ये दो लाइन पैरेलल होती है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर क्यों होंगे? ये एंगल आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है सेम डायरेक्शन वाले एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ये दो लाइन पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी? तो बताओ एंगल एपीक्यू और एंगल एबीसी, एंगल एपीक्यू और एंगल एबीसी दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का मेजर 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60 है ना, इसीलिए इसीलिए पीक्यू क्या होगी बताओ? पैरेलल होगी। साइड कौन थी? बीसी। तो अंदर वाले जिसको सेगमेंट लिखते कभी भी, सेगमेंट पीक्यू पैरेलल होगी साइड बीसी को। तो कौन से किसके हिसाब से? करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, टेस्ट अब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन से केस का यूज किया मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ही किया है, देखो है बराबर ही रहना रे भैया। तो बताओ अब पैरेलल होगी तब बीपीटी लगा सकते, तो बाय बेसिक, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से ये इसका पैरेलल है, तो एपी किसके बराबर होगा? पीबी के बराबर होगा, और एक्यू किसके बराबर होगा? हेंस प्रूफ है, ये तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ करना था, लेकिन ये कब प्रूफ होगी? बीपीटी लगाना पड़ेगा, बीपीटी के दो लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल लंबाई का दी थी क्या? नहीं थी, क्या दिया? दो एंगल दिए थे, दो एंगल कैसे इक्वल है? अरे दोनों एंगल कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, दो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी तो बीपीटी लगेगी, बीपीटी लगेगा तो प्रूफ हो जाएगा, हो गया प्रूफ। लिखो तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट का छठवां क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आपको खुद से बनाना है। छठवां और आठवां क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर डिपेंड है।